प्यारे मित्रों, आज हम सीखेंगे सीफॉप के टू लुक ओएलएल केसेस। तो चलिए सीखते हैं। पहला केस है डॉट शेप। एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एस प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम वी प्राइम। सेकंड केस लाइन या फिर माइनस शेप भी बोल सकते हैं। इस केस के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सेक्शन मूव के आगे एफ लगा दो और लास्ट में एफ प्राइम लगा दो, बस कुछ इस तरह या फिर प्लस बनेगा। थर्ड केस है टी शेप। क्यूब को कुछ इस तरह होल्ड करना है, सेम पहले का एल्गोरिथम दोहराना है सेक्सी मूव वाला। इस तरह केस के लिए इसको ऊपर देखो, ये जो लाइन दिख रहा है उसको सामने रखो और ऊपर इस तरह और सामने हेडलाइट। आर टू डी आर प्राइम यू टू आर डी प्राइम आर प्राइम यू टू आर प्राइम। तो देख सकते हैं ये सेम केस है, बट साइड साइड का कॉर्नर ट्विस्ट हो गया है। क्यूब को इस तरह पकड़ो, स्मॉल आर यू आर प्राइम यू प्राइम एल ऐसा घुमाना है। हमारे अगले केस है एल शेप और पी शेप। अगर एल एल शेप है तो इसको इस तरफ रखेंगे, अगर पी शेप दिखाई दे तो पी को इस तरफ घुमाएंगे और इस तरफ रखेंगे। एल शेप इस तरफ रात रखो, ये ऐसा। घुमाओ घुमाओ यहाँ से, स्मॉल एफ सेक्सी मूव एंड बी प्राइम। सातवां केस, इस केस में सब मिला हुआ मिल जाएगा, दो कॉर्नर छोड़ के, एक येलो इस तरफ दूसरा येलो इस तरफ। स्मॉल एल प्राइम स्मॉल एल प्राइम आर डी प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर डी। आठवां केस प्लस शेप, प्लस येलो 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 एफ सेक्स मूव एंड सेक्स मूव अगेन सेक्स मूव F prime. Now a case plus एक येलो इधर, एक येलो इधर, एक येलो सामने, दूसरा येलो पीछे। कृपया ऊपर दिए गए एल्गोरिथम का उपयोग करें। Our tenth case is fish shape. फिश की फेस को हम कुछ इस तरह रखेंगे और एक येलो सामने होगा। देखो घुमाओ, ये देखो ऐसा। और यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल यू। ग्यारह केस है सेम वही मछली केस, लेकिन मिरर होगा ऑपोजिट साइड, मछली उल्टी दिशा तैरेगी। एक येलो इस तरफ रहेगा और बाकी देखो ऐसा, देखो ऐसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब।